आज का प्रातः क्लास है 20/9/64 रविवार 5वां पेज। जीते जी मरना है, देह के संबंध, देह के पदार्थों का लगाव छोड़ना है, वो सब हमको जहन्नुम की तरफ ले जाने वाले हैं। और ये है बहिष्ट की तरफ ले जाने वाले। अभी बुद्धि कहती है कि किस तरफ जाऊं, क्योंकि रात दिन का फर्क है। इस तरफ तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, और उस तरफ जाने से नरक के मालिक बनते हैं। तो अभी किस तरफ बुद्धि को लगावें? बुद्धि का लगाव कहाँ छोड़ें? आत्मा कहती है बुद्धि को कहाँ फेंकें? शांति धाम और सुख धाम जावे या वहां जावे? अभी कहां जावे? इस नरक की दुनिया में जावे वो तो प्रश्न ही नहीं उठता, नहीं उठना चाहिए, क्योंकि यहाँ के तो जन्म जन्मांतर हो। इसीलिए अभी तो हम इस बाबा को कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा किसे कहा जाता है? साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। और यहाँ बोला है इस बाबा को हम कभी नहीं छोड़े, और वो बाबा ही छोड़ के चला जाए साकार, तो क्या कहे है बीके वाले, क्या समझेंगे है? इस बाबा को हम कभी नहीं छोड़े। और बाबा का क्लेरिफिकेशन मुरली में दिया, साकार और निराकार का मेल। चलो हम तो कभी नहीं छोड़े, लेकिन वो साकार ही छोड़ के चला जाए तब क्या करें? वो छोड़ के जा सकता है, जो मुरली में ही अंजाम करता है, बच्चे मैं तुम्हें साथ लेकर के जाऊंगा, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, खेलेंगे, रहेंगे, साथ जाएंगे। अभी यहाँ तो तुम बाप के पास बैठे हुए हो, तुम्हारे कोई लौकिक संबंधी तो यहाँ है नहीं। कहाँ? यहाँ मधुबन में। भले कोई आपस में बहने हो, फलाना हो, परंतु फिर भी यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। अभी तो बुद्धि कहती है कि हम बाबा के साथ मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम जावे। बाबा कहते हैं ना कि सवेल में उठ करके ऐसे ही बैठो,
बैठने से मजा ही होता है कि किस तरफ जावे, किस तरफ की खेच जास्ती होनी चाहिए। बुद्धि कहती है कि खेच तो स्वर्ग की तरफ होनी चाहिए, मेरी बुद्धि से नरक की तरफ याद में क्यों जाती है? जाती है या नहीं जाती है? नरक की याद में जाती है या नहीं जाती है? जाती तो है, क्यों जाती है? जवाब, हाँ, 63 जन्म की जो हिसाब किताब है, कहाँ जाने के? नर का, नर माने मनुष्य है, का माने करने वाला, जो मनुष्य करने वाला है, क्या करने वाला है? मनुष्य क्या करता है और भगवान क्या करता है? मनुष्य नरक बनाता है, नर नरक बनाता है और भगवान स्वर्ग बनाता है। तो हमारी बुद्धि नरक में क्यों जाती है? क्योंकि 63 जन्म जो भगवान का पार्ट है या पार्टधारी है, उस आत्मा को हमने छोड़ दिया और किसके साथ कनेक्शन जोड़ दिया? देहधारी मनुष्यों के साथ कनेक्शन जोड़ लिया। अरे 63 जन्म भगवान होता है क्या? भगवान होता है? नहीं होता है, भगवान तो नहीं होता है, लेकिन भगवान जिस तन में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो तनधारी आत्मा होती है या नहीं होती है? जिस आत्मा के साथ परमपिता परमात्मा बाप अंजाम करते हैं, मैं तुम बच्चों को आप समान बना करके ले जाऊंगा। कैसा बना के? आप समान बना के ले जाऊंगा। आप समान माना निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना कर ले जाऊंगा। निर्विकारी? क्या वो आत्मा निर्विकारी रहती है 63 जन्म है? कोई कहे नहीं, निर्विकारी तो नहीं रहती, विकृति तो आती है, आती है, लेकिन जो और 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनके मुकाबले जास्ती विकृति आती है या कम आती है? कम आती है। आदि के जन्म में क्या था? वो मुकर्रर तनधारी आत्मा एकदम सृष्टि के आदि के जन्म में क्या था? अरे विष्णु पदधारी था या नहीं था? आदि में सो अंत में भी हो जाता है। ये कौन है? अंतिम जन्म में भी वही आत्मा है जो सुप्रीम सोल बाप का पहले पहले आधार बनती है, जिसके लिए बोला मत योनि ही परम ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्, मेरी योनि रूपा माता, मैं तो पिता हूँ, परम पिता, फिर माता कौन? मेरी योनि रूपी माता परम ब्रह्म है,
क्योंकि ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, तो अनेकों में से कोई परम भी होगा या नहीं होगा, तो वो है परम ब्रह्म। और ब्रह्मा क्या बनता है? ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, तो आदि में विष्णु, तो वो अंत में भी विष्णु। कब था अंत में विष्णु? सन 36-37 में जब प्रवेश किया उस समय भी जैसे कृष्ण की आत्मा के साथ ओम राधे मम्मा जुड़ी हुई है अनेक जन्मों का साथ निभाने के लिए, ऐसे ही राम वाली आत्मा के साथ वो वैष्णवी देवी जुड़ी हुई है, अंतिम जन्म में से भी मैं साथी होती है और ऐसे ही फॉलो करती है जैसे मम्मा बाबा को फॉलो करती थी। करती थी या नहीं करती थी? बात बात में फॉलो करती थी। तो नरक में हमारी बुद्धि क्यों जाती है? क्या जवाब हुआ है? क्योंकि परमात्मा पार्ट को छोड़ करके 63 जन्मों में जिन जिन आत्माओं का साथ लिया वो इस अंतिम जन्म में हमसे क्या लेने आती है? हिसाब किताब लेने आती है, कोई न कोई रूप में हिसाब किताब लेने आती है। तो ये माया है जो माया धोखा देती है। क्यों नाम दिया माया? मां माने संस्कृत में नहीं, आया माने आया। अरे ये 63 जन्म हमारे संसर्ग संपर्क में ना आया होता तो अच्छा था, तो नाम दे दिया माया। तो ये बातें अपन से करनी होती हैं। क्या है कि याद में बैठते हैं तो हमारी बुद्धि बार बार नरक में क्यों जाती है? विचार सागर मंथन का कोई अर्थ तो निकलना चाहिए ना? है कि निरर्थक विचार सागर मंथन करना है, अर्थ सहित करना है ना? वो तो नहीं है कि सागर में लाठी डाली, सर्प डाला या फलाना डाला, एम आप देखते कुछ भी नहीं। जैसे अंधेरे में लाठी मार दी, तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है, जो भी कदम बढ़ाते हो एम ऑब्जेक्ट होती है। सन्यासी लोग का कोई भी तुम ये विचार सागर मंथन कर नहीं सकते हो। अभी तुम किनारे पर हो, क्या सोचते हो कि हम कहां जावे? इस तरफ में तो दुख ही दुख है और उस तरफ में 21 जन्म का सुख है। इक्कीस जन्म कौन से? 8 जन्म तो सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 20 ही तो हुए। 21 जन्म ये है, अभी है, अभी है। 21 जन्म का सुख स्वर्ग अभी है। अगर अभी है तो कहेंगे इस तरफ,
और अगर भविष्य में है तो कहेंगे उस तरफ। तो उस तरफ में किस जन्म का सुख है तो किस तरफ बुद्धि को लगावे। बाप कहते हैं कि मेरे को याद करो, और माया कहती है इस कुटुंब को, परिवार को, पुरानी दुनिया को याद करो और इसी में आ जाओ। अब मैं कहां जाऊं, मुझे तो अभी रास्ता मिला है। जो रास्ता 5000 वर्ष में सिर्फ एक ही बार मिलता है, तो अभी तुम संगम पर आकर खड़े हुए हो। एक तरफ में स्वर्ग जाने का और एक तरफ में है नरक। तो ये संगम है ना, ये मोटी बाटा नहीं है। जो स्थूल रास्तों का होता है ये तो विवाटा कहो। टिवाटा कहो तो भी ठीक है, क्योंकि टिवाटे का भी नाम तो होता है ना। क्या कितनी गलियां आकर के मिलती हैं? 3 गलियां आके मिलती हैं। तो यहाँ कौन कौन सी 3 गलियां आके मिली है? त्रिमूर्ति गली, 3 गलियां आके मिली है, सुखधाम, दुखधाम और शांति धाम। तो कहाँ बुद्धि को ले जावे, कौन सी गली में जावे? तीन गली है, एक इस तरफ में, एक इस तरफ में और एक इस तरफ में। तो कहते हैं बाटी बाटा होता है, अभी हम कहां जावे? कहां जावे? त्रिमूर्ति रोड भी कहते हैं, जैसे त्रिमूर्ति हाउस भी कहते हैं, यादगार नाम दिए हुए हैं। तो किस तरफ जावे? ब्रह्मापुरी की तरफ जावे, विष्णुपुरी की तरफ जावे या शांति देवा की तरफ जावे? क्यों, सुखधाम अच्छा नहीं है? विष्णुपुरी सुखधाम अच्छा नहीं है क्या? है शांति धाम पहले क्यों? क्योंकि मनुष्य दुखी होता है, बहुत दुख आ जाता है तो क्या चाहता है? पहले ये चाहता है कि ये दुख से मुक्ति कैसे हो, छुटकारा कैसे हो। जैसे बुखार आ गया तेज, नस नस में दर्द हो रहा है, तो क्या चाहेगा? उसके सामने रसगुल्ले रख दो, खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? अरे रसगुल्ला पहले खा लो ना, फिर बुखार को याद करना। खाएगा क्यों है? पहले बुखार से तो छुटकारा मिले। ये बड़ा दुख आ गया, इसके छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो कहा इस तरफ जावे या इस तरफ जावे?
एक तरफ तो है नरक की गली, बताओ अब त्रिमूर्ति में कौन सी है नरक की गली? अरे एक तरफ है नरक की गली, क्यों? मैं ऐसे कैसे कह दिया कि ब्रह्मा नर है? ब्रह्मा नर है या देवता है? है? दाढ़ी मूछ वाला है या क्लीन शेव है? शास्त्र में दाढ़ी मूछ वाला दिखाया है या क्लीन शेव दिखाया है? है? और चित्रों में क्लीन शेव नहीं दिखाया? तीन मुखों वाला ब्रह्मा, चार मुखों वाला ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा नहीं दिखाते? गायन नहीं है? जो भी गायन है वो संपूर्ण स्टेज का है या अधूरी स्टेज का है? संपूर्ण स्टेज का है। माना ब्रह्मा जब तक साकार में जीवित है और जीवित जी रहते रहते जो रास्ता बताया उस रास्ते को क्लेरिफिकेशन दिया है? उस रास्ते का समझ दिया? नहीं दिया। जैसे कोई संस्कृत का श्लोक सुना दे और अर्थ नहीं बताए तो कोई को समझ में आएगा? तो ऐसे ही ब्रह्मा मुख से वेद वाक्य तो निकले लेकिन उन वेदों का अर्थ किसी को पता है? नहीं पता है। तो आज कोई वेदों को पढ़ता है? पढ़ता है? सुनता है? अर्थ करता है? नहीं। तो निरर्थक हो जाता है। बताया कि ब्रह्मा नर है तो उसका बताया, उसके मुख से बताया हुआ रास्ता भी निरर्थक हो गया। और विष्णु नर है या देवता है? नर है, देवता है। और शंकर वो भी देवता है। तो एक गली है नरक की तरफ, दूसरी गली है मुक्ति धाम। नरक माने दुख धाम और मुक्ति धाम माने शांति धाम, और तीसरी तरफ है जीवन मुक्ति धाम। सबसे ऊंचा धाम कौन सा है? शांति धाम कहो, मुक्ति धाम कहो। तो देखो अभी टिवाटे पर खड़े हो, अभी मने कभी संगम युग में, ये संगम युग अभी टिवाटा है। जैसे तीन नदियों की संगम होता है ना, तीन देवताओं के साथ किसको समेल लिया है? तीन नदियों को भी ले लिया। कौन कौन सी नदियां प्रसिद्ध है तीन? गंगा, यमुना और सरस्वती। उनको त्रिवेणी कहा जाता है। जैसे तीन नदियां निकलती हैं, एक वहां से, एक वहां से, एक को फिर बोलते हैं कि गुप्त है। कौन सी गुप्त है? बेसिक में आदि में भी गुप्त थी,
मध्य में प्रत्यक्ष थी, फिर बाद में भी 65 के बाद फिर गुप्त हो गई। तो तीसरी को बोलते हैं गुप्त है, पर है तो जरूर। कहां से आती है? अरे कहां से आती है? लवण से आती है, यमुनोत्री से आती है ना। कहां से आती है? यमुनोत्री से आती है, यमुना से उतरी वो गंगा गंगोत्री। तो यमुनोत्री जिस तरफ है वहां धाम कौन सा है? अरे भक्ति मार्ग में कोई धाम बना हुआ है? केदारनाथ। कैसा नाथ? कह माने कह कितने, डार माने डाल दिए, नाथ माने नाथ। कितनों का नाथ? कितने डाल दिए? कहां नीचे डाले जाते हैं कि ऊपर डाले जाते हैं? डाले नीचे जाते हैं कि डाले ऊपर जाते हैं? नीचे डाले जाते। कितने नीचे डाल दिए नरक में? किसने? केदारनाथ। ये कौन सा नाथ हुआ? चार धाम प्रसिद्ध हैं, है? और धर्म कितने प्रसिद्ध हैं? चार धर्म प्रसिद्ध हैं। चार धर्मों के चार बीज भी प्रसिद्ध हैं। रामायण में उनको कहा गया है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और पुराणों में उपनिषदों में शास्त्रों में उनका नाम दिया हुआ है ब्रह्मा के पहले चार पुत्र। कौन कौन? सनत सनातन सनंदन सनत कुमार। यही चार बीज हैं जो चार धर्मों के बीज हैं। चार मुख्य धर्म और चार उनके बीज रूप बाप। तो जो बीज हैं उन बीजों में तीन विधर्मी हैं और एक एक स्वधर्मी है। तो जो विधर्मी है उनमें बड़ा कौन है? इस्लामी तो अभी नाम ही नहीं लिया है। अरे ब्रह्मा के तीन पुत्र बताए बीज, और रामायण में चार भाई बताए, उनमें जो विधर्मी विपरीत धर्मों की ओर ले जाने वाले हैं उनमें बड़ा कौन? भरत। कौन से धर्म का बीज होगा? जितने भी विधर्म हैं विपरीत धर्म हैं उनमें बड़े से बड़ा है इब्राहिम का कौन सा? इस्लाम धर्म। कोई कहेगा इब्राहिम तो जिस मनुष्य का आधार लेते हैं वो आधार तो माता हो गई उस धर्म की, पिता कैसे हो गया? है आधार है या पिता है? क्या है? इब्राहिम तो ऊपर से आता है बीज, जिसमें प्रवेश करता है वो आधार है ना,
है आधार है, वो बीज कैसे हो गया? जैसे शिव ऊपर से आता है और परम ब्रह्म का आधार, ब्रह्मा का आधार लेता है, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा देना पड़े, तो वो परम ब्रह्म जब ब्रह्मा का रूप है तो आधार है या बीज है? है आधार है, संपन्न बनता है तो बीज कहा जा सकता है। तो इब्राहिम भी जिसमें प्रवेश करता है वो आधार है, उस आधार को भी जन्म देने वाला उसका बीज है, बीज माने पिता। इसलिए बताया कि तीन नदियां हैं, उन तीन नदियों में एक नदी है जो केदारनाथ की तरफ से आती है, तो नदी भी कैसी होगी? है देवान बढ़ा करके गिराने वाली होगी या उठाने वाली होगी? है गिराने वाली होगी। तो यमुना नदी में स्नान करने क्यों जाते हैं? है जाते हैं या नहीं जाते हैं? फिर बहुत कम जाते हैं। नहीं, जाने वाली आत्माओं में बहुत हैं जो यमुना में स्नान करते हैं। मथुरा में रहने वाले कहाँ स्नान करते होंगे और दिल्ली में रहने वाले कहाँ स्नान करते होंगे? करते हैं ना, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे स्नान नहीं करते। लेकिन जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनमें देवान ज्यादा होगा या नहीं होगा? देवान तो जरूर ज्यादा होगा। देवान को आध्यात्मिक भाषा में क्या कहा जाता है? है अरे भूल गए, मिट्टी। देवान क्या है? मिट्टी है। यमुना की मिट्टी में और गंगा की मिट्टी में क्या अंतर होता है? यमुना की मिट्टी चिकनी होती है, चिपक जाती है, तो कितना भी जल डालो लेकिन जल्दी छूटती नहीं है। क्या जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी भले कितना भी ज्ञान ले, कितना भी ज्ञानियों के बीच में बैठे, जैसे बेसिक में विश्व किशोर बाबू आदि से ही ज्ञान में था ना, है ज्ञान मार्ग में ही था ना। ब्रह्मा बाबा उसे बहुत पसंद करते थे, वो आत्मा ने ब्रह्मा बाबा से एक साल पहले शरीर भी छोड़ा, यज्ञ का सारा कारोबार वो ही संभालता था, फिर ज्ञान में होशियार था? है ज्ञान में होशियार नहीं था। ज्ञान में बाबा ने मुखिया किसको बनाया? है जगदीश भाई को। अगर वो होशियार होता और बाबा को उससे इतना प्यार था पुराने जमाने से तो फिर उसी को मुखिया बनाते, लेकिन नहीं, वो कितना भी ज्ञान जल पिए तो भी देह अभिमान की मिट्टी से छूटने वाला नहीं था।
फिर वो आत्मा सतयुग में जाके क्या पद पाती है? है जो सेकंड नंबर का दुनिया का धर्म पिता है, उस धर्म पिता का आधार बनती है। भाइयों में ब्रह्मा के बाबा के बाद किसका ज्यादा महत्व हुआ? ब्रह्मा बाबा ने दिल से अपने दिल पर कौन से बच्चे को बैठाया? विश्व किशोर बाबू को, भाइयों में विश्व किशोर भाई को, और माताओं कन्याओं में मम्मा के बाद किसको बैठाया? कुमार का दादी को। और कुमार का दादी तो जीवन में कहती भी थी, मम्मा बाबा की गद्दी की मालिक मैं बनूंगी, मेरा ये लक्ष्य है। तो सतयुग में क्या बनती है? कौन से नंबर का? सेकंड नंबर का नारायण बनती है। कौन से धर्म पिता का आधार बने? जो सेकंड नंबर का दुनिया का धर्म पिता है उसका आधार बनती है। फिर उसकी सारी प्रजा भी कहां जाएगी? इस्लाम धर्म में ही कन्वर्ट होती है। तो वो हुआ कौन? इस्लाम धर्म का बीज, वो हुई आधार। बीज कौन हुआ है? अरे सेकंड नारायण को जन्म कौन देगा है? अभी संगम युग में इस्लाम धर्म की जो आधार मूर्त आत्माएं हैं, उनको ज्ञान देने वाला पिता कौन बनेगा? निमित्त मात्र। है? अरे ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा निमित्त ज्ञान देने वाला थोड़ा ही बनता है। नहीं, जो इस्लाम धर्म का बीज बताया भरत, वो भरत वाली आत्मा ही निमित्त बनती है। तो इस्लाम धर्म वालों में जो मूल बीज है वो कौन हुआ? वो इस्लाम धर्म के आधार मूर्त का भी बाप हुआ। तो वो हो गया धाम। क्या धाम माना? वो तीर्थ स्थान जहां पहुंचना है। तीर माने किनारा, था माने स्थान, तीर्थ माना कौन से ठिकाने पर हमको पहुंचना है। तो वो चौतन्य ठिकाना हो गया इस्लामियों का, जहां इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं को पहुंचना होता है। कौन सा धाम? केदारनाथ। और अभी कौन से धाम में विनाश का नजारा देखा गया? केदारनाथ। मुरली में भी बोला, सबसे पहले कौन मरेंगे? इस्लामी मरेंगे। तो वो आत्माएं हैं जो यमुना नदी को फॉलो करती है स्नान करने के लिए। यमुना नदी केदारनाथ से कनेक्टेड है। तो वो उनका तीर्थ स्थान हो गया। जो भी चार धाम है
धाम माने। अरे तुम अपना नाम नाम तो बताओ। धाम माने घर। शिव आते हैं कहां से? आते हैं परम धाम से। वो तो आत्माओं का घर है, लेकिन इस सृष्टि में जब आते हैं वो तो निराकारी घर है परम धाम। लेकिन इस साकार सृष्टि में आते हैं तो उनका धाम कौन सा है? हैं? मुकर्ररत प्रजापिता। तो वो धाम हो गया। कौन से धर्म वालों का धाम हुआ? है आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का धाम हुआ, मुक्ति धाम जैसे है। इस साकार सृष्टि पर उसकी यादगार में भक्ति मार्ग वालों ने कोई धाम बनाया होगा या नहीं बनाया होगा? है नहीं बनाया? जगन्नाथ चार धामों में वो नाम है। तो अभी तुम जानते हो कि एक तरफ में है मुक्ति धाम और दूसरी तरफ में है जीवन मुक्ति धाम। बहुत मनुष्य हैं जो बहुत कहते हैं हम तो मुक्ति धाम पसंद करते हैं। क्या दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उनमें बहुतों बहुतायत मुक्तिधाम पसंद करने वालों की है या सुखधाम पसंद करने वालों की है? है मुक्तिधाम वाले तो बहुत हैं और सुखधाम पसंद करने वाले सिर्फ 10 करोड़ टोटल मिला करके। हैं टोटल दुनिया में कितने? 500-700 करोड़। तो बताया कि मुक्तिधाम पसंद करने वाले बहुत हैं। कोई है जो जीवन मुक्तिधाम पसंद करेंगे? इस तरफ में तो है ही बंधन धाम जो आ करके खड़ा है। तीन रास्ते हैं, तीन वाटिकाएं। एक वाटिका में तो है ही हम और उस वाटिका में भी तो है ना। कि वाटिका मिसाल तो बड़ा अच्छा देखने में आता है। तो और जावे कहां? ये नरक की तरफ तो हमको छोड़ना ही पड़े। उसमें तो एकदम बहुत ही दुख है। क्या क्यों छोड़ना पड़े? हैं? अभी कहां बहुत दुख है, आराम से रोटी मिलती है, कपड़े मिलते हैं, मकान मिलता है। सबसे बड़ा दुख दुनिया में कौन सा होता है? है बाबा के बच्चों को बिचारों को पता ही नहीं है सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है। बाबा जाने, बाबा का काम जाने, हमें इन बातों से क्या मतलब? हम तो हैं विश्व के मालिक के बालक। लेकिन तुलसीदास ने तो बता ही दिया है। क्या? नहीं दरिद्र संपातक पुंजा। क्या? जो पातक माने पापों का पुंज है वो दरिद्रता है, गरीबी। गरीबी से बड़ा पातक पापों का पुंज दुनिया में कोई भी नहीं है।
तो बताया कि नरक तो हमको छोड़ना ही पड़े। क्यों क्यों छोड़ना पड़े? बाबा के बच्चों को तो कोई देखा नहीं होगा क्या कि बाबा के बच्चे नंगे घूम रहे हैं जैसे भिखमंगे सड़कों पर प्लेटफार्म पर मिल जाते हैं, भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। देखे नालों के किनारे झोपड़ियां डाले पड़े हैं, कोई बाबा के बच्चे देखे? तो बाबा के बच्चों को ऐसे क्यों बोला कि ये नरक का दुनिया तो छोड़ना पड़े? अरे क्यों छोड़ना पड़े? बाबा के बच्चों को तो ये बात मत सुनाओ। अरे बाबा ने झूठ बोला क्या? बुद्धि से हम लोग बहुत पतित हैं। बुद्धि से बहुत पतित हैं। अरे बुद्धि से तो बुद्धि से स्वर्ग में भी चले जाओ। इसलिए बोला कि ये नरक की दुनिया तो हमें छोड़ना ही पड़े, क्योंकि रौरव नरक अभी तो देखा ही नहीं है किसी ने। अभी भविष्य में रौरव नरक सामने आने वाला है। क्या कहा? जो जितना दुखी होता है उतना सुखी भी होता है। बाबा के बच्चे अब तक तो सुख में रहे, लेकिन अभी बाबा आया हुआ है। आया है कि नहीं? आया हुआ है। कहते भी है मैं बाबा मिल गया, भगवान मिल गया कि नहीं मिल गया? है नहीं मिल गया? जोर से नहीं कहते, मिल तो गया, लेकिन बीच बीच में निश्चय आता है कि अनिश्चय आता है? है बीच बीच में अनिश्चय आता है या नहीं आता है? तो मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे एक तरफ कहते हैं अनिश्चय भी आता है, एक तरफ कहते हैं मिल गया। अरे निश्चय माने बाप के ऊपर पहला निश्चय। अगर बाप के ऊपर निश्चय टूटा तो अनिश्चय है या निश्चय है? तो अनिश्चय हो गया। तो अभी भी तो अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। क्यों बनते हैं? बाप आया है इसलिए बनते हैं, या माया इंटरफियर करती है इसलिए बनते हैं? माने माया का दोष है? हैं? कोई सूट बुद्धि बच्चे होंगे तो कहेंगे बाबा आपने ही तो माया बेटी को ऑर्डर दिया है, हैं? कि बच्चों को खूब फटकाओ, हैं? तो माया का दोष या हमारा दोष या बाबा का दोष है? हमारा काय के लिए है? हैं? फटकाओ तो बाबा ने तो ऑर्डर दिया, लेकिन किनको फटकाओ? जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब फटकाओ। तो अभी खूब फटकाने का फाइनल पेपर आया है या नहीं आया है? है? हाँ अभी तो छोटे मोटे पेपर होते हैं, मासिक त्रैमासिक छमाई वगैरह। अभी फाइनल पेपर तो आया ही नहीं है। तो नरक की दुनिया में तो बहुत दुख है एकदम, इसलिए उसको तो छोड़ना ही पड़े। छोड़ना ही पड़े माना मजबूरी है, छोड़ना ही पड़ेगा। अगर शांति है तो आंख में, एक आंख में ये लाइन आती है मुक्ति धाम में। एक आंख कौन सी लाइन में जाती है? मुक्ति धाम में जाती है। दूसरी लाइन में आ जाता है जीवन मुक्ति धाम।
तो हम टिबाटे पर खड़े हैं। इसलिए अभी हम पिछाड़ी में हटने वाले नहीं हैं। टिबाटे पर खड़े हो। 20/9/64 की वाणी का छठा पेज। दुख की गली से आकर के बाबा ने तुमको टिबाटे पर खड़ा किया है, है? क्या कहा? टिबाटे पर खड़ा किसने किया? हम अपने आप आ गए या माया खींच के लाई या बाबा खींच के लाए? है, बाबा ने आकर के हमको टिबाटे पर संगम पर खड़ा किया। इस तरफ में बहुत भयंकर है। किस तरफ है? दुखदाम की तरफ बहुत भयंकर है। शांति भी है और स्वर्ग में सुख भी है। ये गली से तुम आए हो जन्म जन्मांतर पास करके, वहां नरक में तो दुख ही दुख है। अभी विचार रहता है कि हम कहां जावे, कहां जावे, कौन सी नदी को सपोर्ट करें, कहां जाके स्नान करें, है? यमुना नदी में जावे, गंगा में जावे या सरस्वती में जावे, जगदम्बा में जावे, है? तीन टिबाटे की बात बताई। वो बात नहीं है, यहाँ बात कौन सी हो रही है? तीन टिबाटे, तीन नदियां जहां मिलती हैं, तीन रास्ते जहां मिलते हैं, तो विचार रहता है कहां जावे। बुद्धि कहती है कि मुक्तिधाम जाकर के फिर जीवन मुक्ति में आवे, है? ऐसे क्यों कहती है बुद्धि? तो पहले मुक्तिधाम जावे फिर स्वर्ग में आवे, सीधे ही स्वर्ग में क्यों न चले जावे? रसगुल्ले का स्वाद नहीं मिलेगा, है? तो क्यों न कहे हम जीवन मुक्ति धाम में जावे, है? मुक्ति धाम में तो बैठना है या नहीं बैठना है, है? अच्छा, वहां जाके बैठना अच्छा लगता है, है? अरे वहां और धर्म वाले बैठेंगे या हम बैठेंगे? जो पक्के पक्के 100% देवी देवता सनातन धर्म के होंगे, उनका लक्ष्य क्या दिया है दौड़ का? उनकी रेस जो है ह्यूमन रेस, उसका लक्ष्य है कि लक्ष्य में जाकर के आराम से बैठ जाना, सांस लेना या छू करके वापस आना। वहां हमको बैठना नहीं है, बुद्धियोग से जावे और छू करके वापस आवे। तो मुक्ति धाम में तो हमको बैठना नहीं है। अगर मुक्ति धाम में कोई बैठ ही जावे तो उसको फिर मोक्ष नहीं कहेंगे। क्या कहा है? मोक्ष क्यों नहीं कहेंगे? है, क्योंकि जो मुक्ति धाम में बैठ जाते हैं उनको कुछ न कुछ सुखधाम कट हो जावेगा या 100% सुखधाम में आवेंगे। तो कितने
जो मुक्ति धाम को छू के वापस आवेंगे है 4.5 लाख। अच्छा, अरे बड़ी जल्दी पलट गए, 4.5 लाख से एकदम उतर के 8 पे आ गए है। एक एक से सुखदाम बन जाता है, है? अरे नई दुनिया की पहली जो पारिवारिक इकाई होगी वो सब पारिवारिक इकाई में एक होगा, वो सन्यासी होगा, कम से कम 8 होंगे। जो 8 शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं, अष्टदेव कहे जाते हैं, वो 8 पूर्वज आत्माएं हैं। 50,000 होंगे वो भी छूकर वापस आएंगे, वो नंबर वार आवेंगे या एक साथ आवेंगे है? नंबर वार ही तो आवेंगे। कौन से 50,000 की बात करते है? उनमें पहले पहले कोई चंद्रवंशी का नहीं होगा है? अरे सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों मिलकर के आदि सनातन देवता धर्म बनता है, या सिर्फ सूर्यवंश से देवता धर्म बन जाता है? तो फाउंडेशन में कोई चंद्रवंशी भी तो होंगे, नहीं होंगे? कौन उनमें पहला? कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी बनने से पहले राधा। राधा कौन से वंश की? चंद्रवंश की। तो कौन से 50,000 की बात कर रहे? चंद्रवंशी 50,000 की बात या सूर्यवंशी 50,000 की बात है? सूर्यवंशी 50,000, वो अगर इकट्ठे उतर आवेंगे है नंबर, तो टाइम लगेगा कि नहीं? तो मोक्ष उसे कहते हैं कि हम कहां भी न हो, चाका है। किसे कहते हैं मोक्ष है? ना हम सुखदाम की तरफ हो, न दुखदाम की तरफ हो, और ना है शांति धाम में हो। कहां हो है? फिर कहां हो है? किसी भी तरफ में ना हो। वो लोग कहते हैं ना कि हमारा पार्ट ही न हो, कहां का भी पार्ट न हो। कौन कहते हैं? सन्यासी लोग कहते हैं ना, इस पार्ट से ही हम छूट जावे। वो किसको फॉलो करते हैं? है ब्रह्मा को फॉलो करते हैं है। अगर कहें ब्रह्मा को फॉलो करते हैं तो जो बहुत दुखी होगा वो इस पाठ से छूटना चाहेगा, या कम दुखी होगा वो इस पाठ से छूटना चाहेगा? ब्रह्मा वो तो कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलती है, न क्रिश्चियन ज्यादा दुखी होते हैं न सुखी होते हैं क्राइस्ट के फॉलोअर्स। ऐसे ही क्या न कृष्ण और न कृष्ण के फॉलोअर्स ज्यादा दुखी होते हैं और न ज्यादा सुखी होते हैं, तो वो इस लिस्ट में नहीं आते हैं। किस लिस्ट में?
कि हम इस पार्ट से ही छूट जावे। कौन सबसे जास्ती दुखी होते हैं, कौन से धर्म के हैं? जो सूर्यवंशी हैं 50,000 और उनका जो मुखिया है रुद्रमाला, रुद्रमाला में नंबर 12 दुनिया में सबसे जास्ती दुख भी सहन करने की शक्ति है और उनमें सुख भी सहन करने की शक्ति है, है? दुख सहन करने की शक्ति तो चलो मानी, सुख सहन करने की शक्ति क्या? अरे इतने जीव जंतु दुनिया में हैं, सबसे जास्ती सुख कौन भोगते हैं जीव जंतुओं में? मनुष्य ही सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, मनुष्य ही सबसे जास्ती दुख भोगते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे जास्ती इंद्रियां और इन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन मनुष्यों में ही होता है और मनुष्यों के बीच में भी जो सबसे जास्ती मन बुद्धि वाला प्राणी है, सबसे जास्ती इंद्रियों से सेंसिटिव होने वाला प्राणी है कोई होगा या नहीं होगा? वो उनका मुखिया। तो सबसे जास्ती दुनिया में दुखी कौन होता है और सबसे जास्ती सुखी कौन होता है? हैं? सन्यासी? सन्यासी तो बीच में आते हैं, द्वापर के अंत में आते हैं, है? जो सबसे जास्ती सुखी होता है वो सबसे जास्ती दुखी भी होता है। मुक्ति धाम में बैठ जावे तो भी हम छूट नहीं सकते दुख से। कैसे? अरे मुक्ति धाम में बैठ जाने वाले कभी कभी नीचे आएंगे या नहीं आएंगे? ज्यादा टाइम बैठेंगे मुक्ति धाम में तो ज्यादा घोर नरक में आवेंगे या पहले आवेंगे? घोर नरक में आवेंगे। तो मुक्ति धाम में बैठने से भी हम दुख से छूट नहीं सकेंगे, भले वहां कोई को बहुत बैठना होता है। क्या बैठना होता है कि नहीं? बहुत बैठना होता है। ओम शांति।